नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर की सड़कों को अतिशीघ्र ठीक करने, शहर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, शहर में घूम रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने, पुरानी जेल स्थित कूड़ा डंपिंग ग्राउंड को अन्यत्र हटाने की मांग की। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार के वादे धरातल पर दिखाई नहीं देते। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पुरानी जेल की जमीन पर नगर पालिका ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। डंपिंग ग्राउंड से कुछ दूरी पर कई रिहायशी मकान हैं, वहां के निवासियों को कूड़े से स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सड़क से आने जाने वालों को कूड़े से उठते दुर्गंध से सड़क पर चलना दूभर हो गया है। प्रशासन तत्काल डंपिंग ग्राउंड को अन्यत्र हटाने की व्यवस्था करे। लोगों ने बताया कि शहर में जगह जगह तमाम आवारा पशु घूमते हैं, जिससे सड़क पर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शहर की सारी सड़कें काफी दिनों से खराब हैं। शासन और प्रशासन के लोग सिर्फ मरम्मत के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये आजमगढ़ की जो शहर के अंदर की जो कुछ समस्याएं हैं, उस पर हमने कुछ बिंदुओं पे जो है अपना फोकस किया है। वो उस बिंदु को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिनों से ज्ञापन देने की सोच रहे थे कि इस पर जो है प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाए, क्योंकि इससे जो है काफ़ी दुर्घटनाएं, प्रदूषण, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसलिए इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस मुख्य बिंदु ये था कि आजमगढ़ नगर की सड़कों पर जो गड्ढे हो गए हैं, उनको उनकी मरम्मत करवा के गड्ढा मुक्त बनाया जाए, और जो पुरानी जेल है, पुरानी जेल को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। और एक शहर के एक रिहायशी इलाके में इस तरह का डंपिंग ग्राउंड, मेरे ख्याल से कि ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। ये इससे तमाम तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे जैसे गर्मी वगैरह बढ़ेगी तमाम तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। कोई उसमें चिंगारी वो आग लगा देगा, उससे प्रदूषण फैलेगा, उससे तमाम जो श्वसन संबंधी बीमारियाँ फैलेंगी। तो हम चाहते हैं कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। और तीसरा, ये छुट्टा आवारा पशु जो घूम रहे हैं, उससे आए दिन एक्सीडेंट आप लोग मीडिया से हैं, अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस होता है यातायात में उनका। और ये है, नगर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है हमारा शहर स्वच्छ बन सके और जो प्रदूषण है प्रदूषण से मुक्त हो सके, एक अच्छा और स्वस्थ शहर में स्वस्थ लोग रहें। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।